कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इंदौर की परंपरागत सरकारी होलिका का दहन शासन की गाइडलाइन के अनुसार किया गया। हालांकि पहली बार सरकारी होलिका दहन राजवाड़ा प्रांगण में किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हां, इंदौर में परंपरागत रूप से जलने वाली सरकारी होलिका का दहन पहली बार राजवाड़ा के अंदर प्रांगण में किया गया। हालांकि इस होलिका दहन पर भी कोरोना संक्रमण का साया छा गया था, लेकिन प्रशासन से मिली परमिशन के बाद सरकारी होलिका का दहन विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि 300 वर्ष पुरानी इस परंपरा को विषम परिस्थिति में भी जारी रखा है। शासन के आदेश को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन किया गया है। सभी ने महामारी से निजात पाने की प्रार्थना की है। सरकारी होली की लगभग 300 वर्ष की परंपरा है और इस परंपरा को आज भी कायम रखा है इस विषम परिस्थितियों में। वैसे ये राजवाड़े के मुख्य द्वार के सामने वहाँ चूँकि काम चल रहा है और स्थितियाँ हमें मालूम है कि प्रदेश सरकार ने मतलब ने बहुत सीमित संख्या में होली दहन के उपस्थिति को देखे आदेश जारी किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में ही होली का दहन हो रहा है, क्योंकि ये हमारी पारंपरिक और धार्मिक पुरानी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। समरसता का एक भाव रहता है, सब मिलके होली मनाते हैं, सौहार्दपूर्ण आचरण में होली मने, यही इस अवसर पर कहना है। हमने सब ने यही प्रार्थना की है कि आने वाले समय में इस महामारी से निजात मिले और फिर से हम धूमधाम से सभी उत्सव मिलके मनाएं। पंडित लीलाधर वारकर ने कहा कि इस होली को होलकर कालीन सरकारी होली कहा जाता है। इसे 300 वर्ष हो चुके हैं। परंपरा अनुसार होली का दहन गाइडलाइन के अनुसार किया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि होली का दहन राजवाड़ा के मुख्य द्वार के बजाय भगवान के प्रांगण में किया गया। करीब करीब इस होली को होलकर कालीन सरकारी होली कहा जाता है। 300 वर्ष करीब करीब इस होली को हो गए हैं और आज भी परंपरा अनुसार इस होली का दहन आज किया गया है। देखिए सरकारी होली का गाइडलाइन के हिसाब से हमने आज पालन किया। गाइडलाइन हमें मिली थी, उस हिसाब से हमने आज उसका पालन करा और पालन इसलिए कि 20 लोगों का संख्या दी थी प्रशासन ने हम लोगों को, तो हमको मालूम है कि हम सरकारी होली दहन करते हैं तो वहाँ 20 नहीं 2000 से ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं और हम नहीं चाह रहे थे कि किसी प्रकार का त्रास सभी को हो, तो हमने इसलिए 4 दिन पहले ही निर्णय ले लिया था कि इस बार की जो होली, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्य द्वार राजवाड़ा का जो मुख्य द्वार है वहाँ होली दहन नहीं हो रही है और इस बार जो है भगवान के सम्मुख भगवान को साक्षी रखते हुए भगवान के प्रांगण में, प्रशासन ने भी बोला था कि अपना आंगन अपनी होली, तो हमने हमारे भगवान और हमारी होली, तो इस प्रकार से आज सरकारी होली का दहन जो है भगवान के दरबार में है प्रांगण में आज उसका दहन किया गया है। देखिए इस बार जो है ये महामारी का निवारण हेतु ही होली का दहन किया गया है कि सभी देशवासी शहरवासी सुख समृद्धि और कोरोना से बचाव के लिए ही इस बार का जो भी होली का दहन लिया गया है, उस जिस तरह से लोग उठती है लोग जलती है उस तरह से ये कोरोना जो है ये भी लोगों के साथ में भस्म हो जाए और लोग सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें, यही भगवान से आज प्रार्थना करी है। देखा जाए तो इस विपरीत परिस्थिति में भी इंदौर में परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकारी होलिका का दहन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।